देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती के प्यार में मौत को ही दावत दे डाली। जी हां, 4 फरवरी 2021 को बिलासपुर के कंद्रोर के महज 5 किलोमीटर दूर दली के समीप लगभग 200 फीट नीचे नाले में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके हाथ बंधे हुए थे और सिर पर चोट भी लगी हुई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बरमाणा पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया, जहां श्याम कुमार पर ब्रिजेश यादव ने उसकी पहचान रामराज यादव बस्ती अलमासपुर मुजफ्फरनगर के रूप में की, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को न्यू मंडी मुजफ्फरनगर थाने में दर्ज थी और इस संबंध में बरेली की फरहाब बिजनौर के मोहम्मद आदिल, जो कि मृतक युवक के संपर्क में आए थे, उनसे मुजफ्फरनगर की पुलिस पूछताछ कर रही थी। तभी बरमाणा पुलिस ने रामराज यादव का शव मिलने की जानकारी यूपी पुलिस को दी और दोनों लोगों को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस बरमाणा थाने पहुंची, जहां दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित शर्मा ने बताया कि बरमाणा पुलिस को दली के पास अज्ञात शव मिला था, जिसकी छानबीन के बाद एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें कोर्ट ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। साथ ही मृतक युवक व महिला के बीच आपसी बातचीत थी और दोनों आरोपियों ने किस लिए युवक की जान ली, इस बात की तफ्तीश की जा रही है। अज्ञात शव अंधरी नामक जगह पड़ती है, कंदरौर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, तो हाईवे के किनारे एक नाला बहता है, उसके समीप एक शव मिला था, हाथ उसके बंधे हुए थे, तो हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई SHO थाना बरमाना तथा उनकी टीम द्वारा, और इसमें 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो है गिरफ्तार किए गए। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिन का जो है रिमांड प्राप्त किया गया। आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो भी कृत्य जिस प्रकार से इन्होंने किया है, कैसे किया है, और अगर कोई वाहन उपयोग किया है, तो वो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में जो है उसे जो है क्लियर किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टि क्या लगता है कि प्रेम प्रसंग का कुछ मामला है कि कुछ जान? प्रथम दृष्टि में यही सामने आया कि ये जो महिला है, आरोपी है, और जो मृतक है, इनका आपस में बातचीत थी, अब किस प्रकार का इनका प्रसंग था वो फिर आगामी तफ्तीश में सामने आया।